हेलो आटवा, मैं मिशिका आप सभी के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया पेंटिंग शिव और शक्ति के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में शिवरात्रि गया है, तो ये पेंटिंग उसी के ऊपर बेस करके मैंने बनाया है। ये जो मैंने पेंटिंग की है ना, वो वाटर कलर बेस पे है, और इसका जो पेपर मैंने यूज़ किया है वो ब्रशो का किया है और 180 GSM का पेपर है। मेरे पास नहीं था वाटर कलर करने के लिए, नॉर्मली 200 GSM से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है, उसका जो वाटर कैपेबिलिटी होता है ना बहुत अच्छा होता है, तो मेरे पास नहीं था, मैंने यही यूज़ कर लिया। दोस्तों प्लीज़, ये जो वीडियो है आप लास्ट तक एंड तक देखिए, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाली हूँ, और आपका जो प्यार जो सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूंगी कि और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आप सभी को पता है कि मेरा चैनल एकदम न्यू है, प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, और जो अभी तक मुझे प्यार मिला है उसके उस सभी के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है वो भी ब्रशस्ट्रो का ही है। ये ब्रश थोड़ा अलग है, आप सभी को पता होगा कि वाटर कलर का, जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए भी, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो वाटर कलर का ब्रश होता है ना थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो हेयर होता है उससे जो ब्रश बनता है वो हम ऑयल पेंट के लिए, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए, वो सब के लिए हम लोग कर सकते हैं। जब हम वाटर कलर अच्छे से करना मतलब करना चाहते हैं तो हमें ब्रश भी अलग ही लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रशों का जो नेचुरल हेयर का ब्रश होता है मैंने वो यूज़ किया है। उससे क्या होता है कि इसका जो स्ट्रोक्स है बहुत अलग है, आप जब करेंगे ना आपको पता चलेगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो मैंने कलर यूज़ किया है, ठीक है, वो आर्टिस्ट का कलर है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने शिव और शक्ति का जो पेंटिंग किया है वो बहुत इजी है, बड़े या फिर कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है, बहुत इजी है एकदम। पहले मैंने स्केच कर लिया है, इसका जो पेंटिंग का जो भी स्टाइल है बहुत इजी स्टाइल है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। इसका कलर वगैरह मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके इसका जो टोन्स है, उसका जो वैल्यूज़ है कलर का, वो मैंने बढ़ाया है। एकदम से कलर नहीं डालना है, एकदम से डालने से क्या होता है वो बहुत डल दिखता है। अब धीरे धीरे करके जब कलर पुट करते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो लोग पेंटिंग बहुत पसंद करते हैं, आप सभी को पता होगा कि घर पे पेंटिंग मतलब एक वॉल हैंगिंग हो तो कितना अच्छा लगता है ना, सोफे के सामने मतलब पीछे जो हम लोग करते हैं, फिर ड्राइंग रूम में कहीं पर भी हम लोग एक पेंटिंग बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ुद का हो तो बहुत ही अच्छा, कोई भी आए आप लोगों को अच्छा लगेगा दिखाने में भी, और ख़ुद भी देख के बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बनाया है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाया है, प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और प्लीज़ बताना कि आपके लिए और क्या कैसे कैसे मतलब वीडियोज़ में लाऊँ, ताकि आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो और आपको भी अच्छा लगे। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा सबसे ज़्यादा ताकत है, तो आप लोग मेरे फैमिली है, और फैमिली से सपोर्ट मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं अपनी फैमिली से ही सपोर्ट मांग रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू सो मच।